दोस्तों भारतीय वुमेन्स बनाम न्यूजीलैंड वुमेन्स के मध्य वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेला गया। भारतीय वुमेन्स टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। न्यूजीलैंड टीम को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया। भारतीय वुमेन्स टीम की तरफ से बल्लेबाजी के लिए उतरे स्मृति मंदना और सफाली वर्मा। भारतीय टीम के स्मृति मंदना 10 रनों के स्कोर पे आउट हो गए, वही सफाली वर्मा 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। सफाली वर्मा ने अपने पारी में 3 छक्के 1 चौके भी जड़े। भारतीय महिला टीम की तरफ से तानिया भाटिया 25 रनों का योगदान दिया, वही भारतीय महिला टीम के कप्तान भी बिना खाता खोले आउट हो गए। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी 10 रन लगाए, वही ऋचा घोष ने 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। ऋचा घोष ने अपने पारी में 6 चौके भी जड़े। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सके। भारतीय महिला टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 150 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड टीम के तरफ से सोफी डिवाइन को बस 5 विकेट मिले। रनों का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरे रिचल प्रिस्ट और सोफी डिवाइन। रिचल प्रिस्ट तो 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए और न्यूजीलैंड के कप्तान सोफी डिवाइन 21 रन बनाकर पवेलियन चले गए। वही सूजी बेटर्स भी 13 रन लगाए। न्यूजीलैंड के मैडी ग्रीन ने अपनी पारी में 4 चौके की मदद से 20 रनों का योगदान दिया, वही कैरी मार्टिन ने भी 30 रनों का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ने 40 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। अमेलिया केन ने अपनी पारी में 5 चौके 2 छक्के भी जड़े। भारतीय टीम की तरफ से शिखा पांडे को 2 विकेट और दीप्ति शर्मा को 1 विकेट मिले। इन सभी की मदद से भारतीय महिला टीम 5 रनों के छोटे अंतर से विजयी रहा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।